दी कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि फिल्म के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि पलायन का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस का कहना है कि उस वक्त वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी समर्थन दे रही थी, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सच दिखाना नहीं, देखना नहीं चाहती, इसलिए झूठ फैला रही है। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा? हमारे लोग मर रहे हैं सर। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है। उस समय उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और जो जो चीजें फिल्म में दिखाई गई है ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिल गई। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी, अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। द कश्मीर फाइल सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा रही है तो सियासी गलियारों में भी भूचाल ला रही है। वैसे तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी है, जिसमें उनका दर्द दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी की सच्चाई पर देश में सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती है, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती है, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है, तो आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? कुल मिलाकर कश्मीर की फाइल को सियासी मिसाइल बनाकर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्या है पूरा सच, कौन था जिम्मेदार? बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बदहाली पर कांग्रेस को घेर रही है तो कांग्रेस बोल रही है कि नफरत फैलाने के लिए फिल्म को बीजेपी सरकार प्रमोट कर रही है। जो आज हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, 10 साल पहले उनके ट्वीट मेरे पास मौजूद हैं जिनमें उन्होंने कहा ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, ये तो हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहते थे, वहां का मुसलमान ब्राह्मण्स को निकालना ही नहीं चाहता था, ये अनुपम खेर के ट्वीट मौजूद है। आज उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है, और अगर कश्मीर की समस्या पे फिल्म बनी है और उस पर राजनीति हो रही है तो मैं प्रधानमंत्री से अदब से कहूंगा कि गुजरात के 2002 के दंगों की भी फिल्म बननी चाहिए। उधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई ने कश्मीरी पंडितों को फिर न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत दे दी है। समाज के कई दूसरे लोग भी आगे आकर इन लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल ने देश के राष्ट्रपति के पास एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उन मामलों की दोबारा जांच होनी चाहिए जहां पर 1989-90 के समय कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यदि 1984 के सिख दंगों में एसआईटी का गठन किया जा सकता है तो हिंदुओं के कत्लेआम, हिंदू औरतों की असमत लूटने वालों और हिंदुओं की संपत्तियां लूटने वालों के विरुद्ध भी जांच करने के लिए एसआईटी बने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।